नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय भदौरिया वीडियोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ब्रिक्सु होलसेल रेट में कितने में पड़ता है। अगर आप इसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है, या फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जानना चाह रहे हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन है कि ब्रिक्सु आखिर में कितने में पड़ता है, अगर आप मार्केट में अपनी बाइक में ब्रिक्सु डलाते हैं तो आपसे लगभग कीमत 120 रुपये 150 रुपये के समथिंग लगती है, लेकिन आखिर में ये ब्रिक्सु आता कितने में है जो आपकी बाइक में आप इतनी कीमत दे रहे हैं। चलो आज हम इसी पे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियोज की। अगर आप ब्रिक्सु बाइक में डलाने गए, ब्रिक्सु की जो कीमत आपसे लगेगी दोस्तों, कम से कम 150 रुपये, हीरो की जो कीमत आती है समथिंग यही चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दूसरी कोई कंपनी ले रहे हो तब भी आपको 100 रुपये 120 रुपये आपको पे करना पड़ता है, तब आपकी बाइक में ब्रिक्सु पड़ता है। और यही अगर आप होल सेलिंग करते हैं तो आपको मार्केट में कितने का पड़ रहा है। मैं ये वीडियो क्यों दे रहा हूँ, कारण है दोस्तों ये मैसेज पड़ गया। इसमें लिखा है कि ये भाई साहब ब्रिक्सु का काम कर रहे हैं, ये जो रेट पे ब्रिक्सु मंगा रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, इनको पर पीस 1 रुपये और 2 रुपये बच रहा है, और जितना इनको मार्जिन मिल रहा है इतना तो इनका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग जाता है, यानी कि इनको लॉस पड़ रहा है। कारण क्या हो सकता है इसका कि इनको लॉस पड़ रहा है, इसका कारण केवल दो हो सकते हैं। या तो इनको माल कॉस्टली मिल रहा है, या फिर यह मार्केट में माल को सही रेट पर बेच नहीं पा रहे। क्यों दोस्तों, पहले आप एक चीज़ समझिए भाई, आप दिल्ली से भी माल अगर मंगा रहे हैं और दिल्ली से जो माल आप मार्केट में बेचेंगे, 10% तो आपको प्रॉफिट नॉर्मली हो ही जाना है खर्चा काट के। लेकिन कारण क्या होता है कि हम प्रॉफिट नहीं ले पाते, उसका कारण ये होता है कि हमने मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा और जब अपने मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपने बताया कि भैया हम ये चीज़ 80 रुपये की देंगे, तो दुकानदार सीधा बोलता है भैया 70 का तो मुझे पड़ रहा है। अब आप कंफ्यूजन में हो गए कि यार भैया इसको 70 का पड़ रहा है तो ये लेगा नहीं, तो मैं भी इसको 70 का दे दूं, तो आप उसको 70 का देंगे और 70 का देने में उसको फ़ायदा है। अगर आप 70 रुपये में उसको दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, कारण कि आप जहाँ से भी माल लेके आ रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज बराबर लगा है। दूसरा, आप जहाँ पर मंगाएंगे उसके बाद देने जाएंगे तो आपकी बाइक है या फोर व्हीलर जिससे भी जाएंगे उसका भी चार्ज आपसे लगेगा, गाड़ी तो चलेगी, आपका भी दिन बर्बाद होगा। तो आपने कीमत तो कम कर दी लेकिन नुकसान आपका हुआ। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जब आप माल खरीद रहे हैं तब आपको बार्गेनिंग करनी है, और जब माल बेच रहे हैं तब भी आपको बार्गेनिंग से सचेत रहना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। क्या करना है, अगर आप मार्केट से माल लेने के लिए गए, मार्केट से जब आप माल लेने के लिए गए, आपने वहाँ पे किसी दुकानदार होलसेलर से कहा भैया मुझको 500 पीस ब्रिक्सु चाहिए, ठीक है वो आपको ब्रिक्सु के लिए बात करेगा, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, वो आपको रेट जो दे रहा है वो रेट सही है या नहीं ये आप कैसे जानेंगे। इसके लिए दोस्तों पहले तो आपको 2-4 दुकानों पर कॉन्टैक्ट करना है और ओरिजिनल ब्रिक्सु लेना है, उसका ब्रिक्सु देखना है, ASK का ब्रिक्सु लेना है वो देखना है, उनकी कीमत कंपेयर करनी है, फिर अपना माल चेक करना है, फिर आप देखेंगे कि आपको क्या रेट दे रहा है। दोस्तों वैसे इस समय अगर मार्केट में आप ब्रिक्सु ले रहे हैं तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको पड़ेगी मात्र 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में, अच्छे से अच्छी की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने हल्के माल की बात नहीं की, जो हैवी क्वालिटी होगी 45 से 50 रुपए के बीच में आपको ब्रिक्सु मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, ब्रिक्सु में अगर डीलक्स वगैरह पे आप पहुँच गए, भाई हमें हीरो में डीलक्स का चाहिए, तो उसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाएगी, वो 65 रुपये तक आपका चला जाएगा, 65-70 रुपये। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल कीमत बढ़ती है अल्मोनियम की, जो अल्मोनियम आप ये देखते हैं ब्रिक्सु, इसमें अल्मोनियम लगा होता है अंदर, तो ये अल्मोनियम की कीमत बढ़ रही तो ब्रिक्सु की भी कीमत बढ़ रही है। तो इसलिए आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप होलसेल मार्केट से माल खरीद रहे हैं तो माल आप कैसा खरीद रहे हैं ये ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रिक्सु तो खरीदते हैं, या तो वो ज़्यादा लो क्वालिटी में चले जाते हैं या फिर वो ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी में चले जाते हैं। मार्केट में दोस्तों ब्रिक्सु जो लो क्वालिटी का है वो तो आपका चल रहा है 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में,
लेकिन उसकी जो लेदर होती है अक्सर वो उखड़ जाती है, क्वालिटी देखने में हल्की होती है, अल्मोनियम भी हल्की होती है, गाड़ी में डालते डालते कभी कभी वो टूट जाता है, लेदर उखड़ने लगती है। इस प्रकार ब्रिक्सू अगर मार्केट में बेच रहे हैं तो दोस्तों आपका काम नहीं चलने वाला है। जो गाड़ी में ब्रिक्सू पड़ेगा उस गाड़ी वाले को भी कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप हल्का माल तो बेचना ही नहीं है। हमेशा अच्छा माल बेचिए, 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में माल लीजिए। उसके बाद ये लूज के रेट है दोस्तों, ये याद रखना, आप ये मत सोचना ऐसे रेट पैक मिलेगा, इसके बाद डिब्बा वगैरह 5 रुपये का खर्चा आ जाएगा, तो आपको 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में बढ़िया क्वालिटी पड़ जाएगी और उसको आप 75 रुपये 70 रुपये के बीच में आराम से सेल करें। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आराम से काम निकलेगा। ब्रिक्सू दोस्तों ये समझिए गाड़ी की जान होती है, आपको इसमें कोई भी रियायत नहीं करनी है। हल्का माल मिल तो जाता है लेकिन वो हानिकारक होता है, जैसे हमने बताया आपको 30 रुपये से 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में हल्का ब्रिक्सू मिल जाएगा लेकिन किसी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों ब्रिक्सू मेन चीज़ है और मार्जिन अच्छा होता है, हर पीस पे आपको 10 रुपये बड़ी आसानी से बच जाते हैं। दोस्तों होल सेलिंग आप करना चाहे 10 रुपये कीजिए, एक दुकानदार को आपने 50 पीस दे दिए तो आपके 500 हो गए, और 500 पीस कितना टाइम लगता है। हीरो के छोटे होते हैं, हीरो के बड़े होते हैं, बजाज के छोटे हो, बजाज के बड़े होते हैं, पल्सर वगैरह जो लगते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्सू कई प्रकार के आते हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि ब्रिक्सू आखिर में कितने में पड़ता है। बहुत ही कम कीमत है दोस्तों, मात्र 35 रुपये से ब्रिक्सू की स्टार्टिंग है। फिर ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट में अलग अलग डिब्बों में पैक होकर अलग अलग कीमत पे बिकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।